अंदर आ जाओ, मैं बस तैयार हो गई हूँ। हम बात कर सकते हैं क्या? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं नहीं चाहता कि पहले तुम्हें परेशान करे और वो मुझे तो परेशान नहीं करती, तुम्हें करती है तो बताओ। वो किताब, वो तस्वीर। देखो फरीद, किसी को किताब देना बहुत मामूली सी बात है, पर उसमें तस्वीर होना गैर मामूली है। उसमें कैसी भी तस्वीर रखी जा सकती है, याददाश्त के तौर पे, बस खैर मामूली बात है, कोई बड़ा मसला नहीं। बेशक बड़ा मसला नहीं होगा, ये कहा ना? हमारी शादी नकली है फरीद, मैं ये नहीं भूल सकती और तुम भी मत भूलो। जब तक बुलूद के हालात नहीं सुधर जाते, फर्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो। ठीक है। और आज एक इंटरव्यू भी है तुम्हारा, तुम्हें 12 बजे रेस्टोरेंट आना होगा। मैं आ जाऊंगा। रेस्टोरेंट हमारे लिए अहम है, पहले अहमियत नहीं रखती। मैं उम्मीद करती हूँ तुम वक्त पे आ जाओगे। मैं अब चलती हूँ। यार कल तुम्हें डेनिस की हरकत को देखना चाहिए था। मैं उस आदमी से बात कर रही थी तो वो उसे देखकर पागल ही हो गया। डेनिस ने उस आदमी से इतनी बदतमीजी की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। डेनिस तो रोक ही नहीं पाया खुद को ये सब करने से। पता है कल जो डेनिस ने हरकत की है ना, उससे मुझे पक्का यकीन है कि डेनिस मुझे पसंद करता है, क्योंकि वो उसे देख के जेलस हो रहा था। वो मुझसे मोहब्बत तो करता है लेकिन अभी उसे एहसास नहीं है, पर मैं तो जानती हूँ यार, बस उसे इसी तरह जेलस करके उगलवा लूंगी मैं इंशाल्लाह। कहाँ गुम हो फतोश तुम? हाँ हाँ बिल्कुल आसुमान, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारी बात से इत्तेफाक न रखे। अच्छा तो ये बात है, जरा बताओगी मुझे कि किस बात से इत्तेफाक करती हो तुम? अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो इस वक्त। आसुमान मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस खुद को किसी परेशानी में मत डालना, ये बात मेरी याद रखना तुम, और कुछ नहीं। पहले अपनी हालत तो देखो जरा, खुद का हाल बेहाल हो गया है और यहाँ मुझे मशवरे दे रही है। हद है। उफ आसुमन यार, ये बस क्यों नहीं आ रही है? कैसा लगा? वल्ला मनामी, सच बताऊं तो यहाँ का माहौल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है बार बार, पर एक जरूरी बात मैं तुम्हें अभी से बता देना चाहता हूँ। दरअसल मैं कराटे, जूडो, इन सब चीजों को आपस में मिला देता हूँ यार। तारिक, सब एक जैसी ही ट्रेनिंग करते हैं लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता है, यानी दूर से और करीब से। वाह, बड़ी गहरी बात बताई है मनामी, अच्छी बात है। लेकिन हम इन बातों को अभी साइड पे करते हैं, तैयार हो जाओ, कुछ करते हैं। मारो मुझे एक मुक्का। क्या मुक्का, किस लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ मारना। मुझे हाथ दिखाओ अपना। मनामी तुम्हारा हाथ तो काफी छोटा है, लेकिन मारो। अरे मैं नहीं मार सकती हूँ तुम्हें। मारो, क्या मतलब है कि नहीं मार सकती? अरे मुझे मारना नहीं आता, बस खुद को बचाना आता है। अरे यार, तो फिर मनामी मुझे तुम यहाँ क्यों लेकर आई? ओहो, मैं तो वैसे भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, तो अब क्या करें? चलो वापस चलते हैं, कहीं और चलकर एंजॉय करते हैं। अरे तारिक रुको, एक काम करते हैं, तुम मुझे मारना। अरे मनामी मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? नहीं मारूंगा। मेरी तरफ दौड़ के आओ। दौड़ के? बिल्कुल हाँ, दौड़ के आओ ना। ठीक है, आता हूँ। आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। दौड़ के आओ ना तारिक। लो फिर मैं आ गया। आ जाओ उसकी। आओ। अला।
मनामी, मैं यही तो करने के लिए कह रहा था तुमसे। फिर से करो, यकीन करो, मुझे बहुत मजा आया। क्या ये ठीक है? बहुत अच्छा, करती रहो मनामी, तुम तो निंजा बन गई यार। बहुत अच्छे। देखा, इस वक्त भी कॉल करा है डेनिस। मुझे तो लगता है कि उसे दिन रात मेरी ही याद आती है। हाँ बोलो डेनिस। तुम्हारे वो स्कूल की कश्ती थी ना? हाँ, उसका क्या हुआ? अब नहीं रही, अब वो मसला खत्म हो गया है। कैसे यार? कहीं उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर तो नहीं निकाल दिया मुझे बताए बगैर? बताओ ना मुझे डेनिस। नहीं, मैंने उन्हें संभाल लिया। अब तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और कोई एक्स्ट्रा काम करने की भी जरूरत नहीं। बस अब तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है और पढ़ाई में ध्यान देकर अव्वल आना है। डेनिस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मसला हल हो गया इतनी जल्दी। ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शुक्रिया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि लॉटरी जीतने के बाद लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल एक खुली हुई लॉटरी की तरह हो। आसमान, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुजफ्फर से दूर रहो। वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गई मैं। अगर वो तुम्हें कहीं मिल भी जाए तो उससे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और देखो, आज का नाश्ता बिल्कुल मेरी तरफ से है, ड्रिंक्स के साथ। ठीक है? ठीक है, वादा रहा। मिलते हैं। मिलते हैं। सलाम। देखा, इश्क में मुब्तला है वो मेरे। और मैं बेशक डेनिस की ही बात कर रही हूँ। वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा कि उसे मुझसे ही मोहब्बत है। कल तुम्हें पसंद करता था और आज मोहब्बत हो गई। कल अंगूठी लेकर ना आ जाए यार शादी के लिए। अरे तुम ये तो सोच लो कि नाज़री से क्या कहोगी, ये तो तुमने सोचा ही नहीं। अजीब औरत हो तुम भी। तो बहुत अच्छे से कर रही हो मनामी, बहुत अच्छे से कर रही हो। वहीं पर, बस वहीं पर मनामी। यहाँ पे बहुत अच्छे। और मार के गिरा दो मुझे। देखो, तुम मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने जैकी चैन से सीखा है। अच्छा, क्या सच में? बच के दिखाना। तारिक, तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम चाहो तो मेरा थोड़ा हाथ और भी मोड़ सकती हो मीनामी। मजा आ गया। नलके से टपकता हुआ बूंद सा महसूस हो रहा है मुझे। तुम थोड़ा मुझे और निचोड़ सकती हो, नींबू की तरह। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे मीनामी, बहुत अच्छे। नींबू की तरह निचोड़ दो मुझे, बिल्कुल निचोड़ दो। बस तारिक, बहुत हो गया, उठ जाओ। आ जाओ। तुम शायद खुद को सजा देना चाहते हो मेरे ख्याल से। मैं चाहता था, मुझे अगर एक दो मुक्के और पड़ जाते तो शायद कुछ ज्यादा मजा आता। ओह, पता है तुम्हें, मुझे आलू की बोरी की तरह महसूस हो रहा है। ऐसा पटका तुमने मुझे आज, पर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लगता है मेरी सारी आंतों ने अपनी जगह बदल ली है। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल सही जगह पर है और सही धड़क भी रहा है। सही कहा। हाँ, सुपर। तुम्हें कुछ बताना था, मैं ये किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता मनामी। यहाँ मन चुका है क्या? मुन चुका? मुझे प्लीज मुन चुका से पीटो। बस कर दो तारिक, आज के लिए इतना ही काफी है। आइंदा मैं तुम्हें किसी जगह पे नहीं लाऊंगी। मैं हमेशा से मुन चुका से पिटना चाहता था, ये मेरी ख्वाहिश है बहुत पहले से। पीटो ना मुझे प्लीज। अरे तारिक, वो मुन चुका नहीं ननचक होता है। बस बहुत हुआ, अब कभी नहीं लाऊंगी तुम्हें यहाँ। अच्छा तो ठीक है फिर, इस डंडे से मारो मुझे। ये लो, बस तुम्हें ये डंडा एक बार मारना है। यहाँ पर, बिल्कुल तैयार हूँ। मारो। अरे तारिक, मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ। अरे क्यों यार, एक ही तो बस मारना है। मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया, चलो। मेरे खत्म किए बिना खत्म नहीं हो सकता। आह मनामी, सच कहूं तो तुम वाकई ही ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा हो। हाँ भाई, सुबह की गपशप कॉफी के बिना अधूरी रहती है यार। आज की कॉफी भी काम नहीं करने वाली फतोश मुझ पे।
हाय, मुझे सब जानने की बेसब्री है यार। ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्ट में सब बताती हूँ। हमारी आसुमान है ना? हाँ। शायद पेलिन के बारे में सही थी, बिल्कुल सही थी। बल्कि वो फतोष उस लड़की के साथ कुछ तो बहुत अजीब है, मुझे उस पे बहुत शक है, पर वो क्यों नहीं पता। इतना क्या अजीब था यार? बल्कि उससे भी बुरा, वो इतनी अच्छी भोली और स्वीट बनने का नाटक कर रही है, और उसके हंसी में कुछ था, बहुत चालाक सा फरेब। देखो, बुलुत से और फरीद से भी इतनी अच्छी बन रही थी वो, जैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर उसके दिमाग में कुछ और था, मैंने उसकी आंखों में देखा है। फतोष, कोई तो बात है, तुम समझती हो ना कि वो सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं, और कोई नहीं समझ सकता। मैंने जैसे ही वापस देखा उसकी आंखों में, उसने नजरें हटा ली फौरन। एक पल के लिए तो मुझे खुद पे ही शक होने लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रही। अरे नहीं नाजली यार, तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है, और अगर तुम ऐसा कुछ कह रही हो तो सही कह रही हो। फतोष, इस सब को बहुत अरसा हो गया है, पर पता नहीं कि उसके हानि की वजह क्या है, पर तुम देखना, वो जरूर फरीद के साथ कुछ ना कुछ बुरा करेगी। खुदा जाने कि उसकी क्या परेशानी है, पता नहीं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। अजीब बात है, जैसे उसने सब कुछ पहले सोच रखा हो, पहले से तैयारी की हो हर चीज की, हर चीज की। उसने किताब की बात की, हम डिस्कस कर रहे थे, हम बाहर आए, उसने किताब की तरफ देखा और उसने कहा कि ये किताब उसने फरीद को दी थी, और बातों बातों में उसने मुझसे उस किताब को पढ़ने के लिए कह दिया। जब वो चली गई, मैंने किताब खोल के देखा, पता है उस किताब में मुझे क्या मिला? सोचो। क्या? उसकी और फरीद की तस्वीर थी एक साथ। उसे कैसे पता? इतने सालों बाद भी वो तस्वीर वही है, उसने खुद उस किताब में तस्वीर रखी। देख रही हो इस औरत को? एंजॉय करें। शुक्रिया। शुक्रिया भाई, बिल्कुल चुड़ैल की तरह है, पिछल पैरी चुड़ैलों की तरह, जो इंसान का काम तमाम कर देती है। क्या फतोष, तुम उसके जायचे क्यों निकाल रही हो अब? उसने ना फेसबुक पर एक तस्वीर लगाई थी, पता है नाजली, अपनी सालगिरह पर अपनी अम्मी के साथ। उसके रिश्तेदार ने ना कोई कमेंट किया था, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये किस किस्म की औरतें हैं, बिल्कुल पिछल पैरी चुड़ैलों की तरह लगती हैं ये। फतोष, मैं और जानना चाहती हूँ इस बारे में। यार कसम से नाजली, मैं ना कुछ गलत नहीं कहना चाहती, मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल सर्च की थी। कसम से ऐसे पोस्ट लगाती है कि लड़कों को कहे कि आओ और मेरा पीछा करो। मेरे हिसाब से बहुत ही कमीनी और चलाक लोमड़ी लड़की है ये, और ये तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाना चाहती है नाजली। और फरीद के साथ जो तुम्हारी शादी हो गई ना, ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो अच्छी बन रही है क्योंकि उसने दिमाग में मंसूबा बनाया हुआ है। फतोष, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं किसी मसले में तो नहीं पड़ने वाली? तौबा करो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो पूरी कहानी बलानी फतोष। क्या तुम्हें लगता है फरीद इसके लिए मान जाएगा? पेलिन, देखो, इतना अच्छा मुनाफा करने वाला कारोबार उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में ये बात घोल के पिला दो, और उसके सामने ऐसी ऐसी कंडीशंस रखो कि उसे मना करने की गुंजाइश बचे ही ना, हर तरफ उसे फायदा नजर आए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, तमाम मामला तय हो चुके हैं ना, देखो डील पक्की है, तुम बाकी चीजों की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, और तुम किसी की भी फिक्र नहीं करना, मैं हर एक को देख लूंगा, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम्हारा सिर्फ इतना काम है फरीद असलान को मनाना। तो फिर डील डन। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तैयारी कर लो, मैं फसूला होल्डिंग को एक बड़ा झटका देने वाली हूँ, देखते रहना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम सिर्फ ये हासिल कर लो, इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दूंगा, देखना अब सब कुछ अच्छा होगा। पुराने दिनों की तरह कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी आकानन दर्श। भाई और भाभी को मैंने मरवाया है, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था, मुझे सिर्फ वो चाहिए था जो फरीद असलान के पास था, जो मेरे पास नहीं था। सुना तुमने?
फिर एक आदमी का इंतजाम किया मैंने, जिसे मुकम्मल मालूमात हो गाड़ियों की, और उसने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ किया। कार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसको हटाते ही जो धमाका हुआ। अब ये मेरे हुक्म का इक्का है। मुझे नहीं मालूम था उस हादसे के वक्त बलूत भी उस गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। आर्किटेक्चर कंपनी के नुमाइंदे काफी देर से आए हुए हैं, मैंने उन्हें अंदर बिठा दिया, तुम बात कर लो उनसे। 7 अलग अलग कंपनीज के लोग हैं ये। हेलो गाइस, वेलकम, बैठे रहे आप लोग, काम करें अपना। खुश आमदीद। अच्छा, मैं बस आप लोगों के सामने ब्रीफिंग शुरू करने वाला हूं। तो हमें एक बड़ा जहाज चाहिए जो डिजाइन बल्कि हर तरीके से मुख्तलिफ हो, या यूं भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नए अंदाज का हो, जदीद टेक्नोलॉजी वाला। तुम्हें अंदाजा तो लगा दिया आने में आजकल, पार्टी कब की शुरू हो चुकी है। अरे कैसी हो तुम, क्या हाल चाल, कहाँ रह गई थी तुम, कितना टाइम लगा दिया, देखो कितनी अच्छी पार्टी है, बहुत मजा आ रहा है ना, कितने दिनों बाद मिले हैं हम लोग। मेरी जान कैसे हो तुम, कैसी हो तुम, बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। हर बार ये लोग मिलते हैं और ऐसा शोर शराबा करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, मेरी तो समझ से बाहर है ये लोग। ऐसे मत कहो, देखो ना कितने प्यार से मिल रही हैं। अपने सारे कामों के बीच ये एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकाल सकती हैं। अरे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। अरे मेरी अम्मी और खाला भी बिल्कुल ऐसी ही है ना। अरे आसुमान तुम कहीं की महारानी हो क्या, ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने कभी ऐसा मॉल देखा ही नहीं है, अजीब बातें करती हो यार। अरे फतोश, जब तुम अपनी अम्मी के साथ घूमना फिरना कर रही थी तो मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त कहाँ थी। इस तरह का मिलना जुलना तो सिर्फ सर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है थोड़ी देर में ये भूख से पागल हो जाएंगी, चलो इनके लिए खाना लेके आते हैं। हाँ जरूर। ये सही कह रही है। फोन लगवाया था, पहले की है, बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारी है, सुंदर लग रही है, तुम्हारी बातें याद करेंगे। अल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, कितना क्यूट बच्चा है। हटो, कौन है तुम्हारा, तुम्हारी बेटी का बच्चा है। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी तो सांस ही रुक गई थी कसम से। इस बच्चे को देखकर तो ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो इन्होंने। बस दुआ करो कि बच्चा ना रोना शुरू करे। ये तो रोने लगी है, रोने लगे, ये तो रोए जा रहा है। फतोश, ये ऐसे रोता रहेगा क्या, घबरा रही है। नहीं रोएगा, मेरा नहीं ख्याल नाजली के इसको ऐसे रोना चाहिए। तुम यहाँ बैठो मेरे पास, चलो हम खाना सर्व करते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो। हाँ हाँ सही कहा, बहुत बच्ची है, अभी चुप हो जाएगी। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम आर्किटेक्चर फॉर्म की तलाश में हो तो मैंने कहा फौरन यहाँ जाना चाहिए मुझे। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं तो, पर मुझे तुम्हें देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई असल में। क्यों? आई थिंक मैं इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और तुम ये बात फरीद बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे अपने काम से कितना ज्यादा प्यार है। हाँ ये तो सबको पता है कि तुम कितनी प्रोफेशनल हो अपने काम के लिए। तो कोई भी इस काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? एक्सपीरियंस के लिहाज से कहें तो अगर मैं ये काम करूँ तो परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें? कह तो सही रही है। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती के आगाज के लिए ये मौका बहुत अच्छा है और मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती हूँ फरीद। देखो पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत छोटे कदम उठाने चाहिए। असल में साथ काम करना बड़ी बात है, इतना आसान नहीं होता, तुम तो समझती हो ना। यार एंगिन तुम ही कुछ बोलो ना इसे, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा मौका चाहिए यार। सच की जीत होती है हमेशा। क्यों नहीं फरीद, पैलन सही कह रही है, काम तो कोई भी कर सकता है, हमें सोचना चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं, तुम्हारे लिए आसानी हो तुम फौरन ही काम शुरू कर दो फिर। हाँ जरूर, लेकिन इन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं दमीर और जैनब की कब्र पर जाना चाहूंगी। तो अगर तुम मुझे पता बता दो तो मैं खुद ढूंढ लूंगी जाके। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, कई दिनों से मैं भी उनकी कब्र पर जाना चाह रहा हूँ असल में, पर मौका नहीं मिला। मेरे हाथ रहेगा, चले आ जाइए।
अच्छा ठीक है, हाथ ना लगाए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और आपको क्या चाहिए? अरे मेरी बात सुनो, इस लड़की का क्या कोई बॉयफ्रेंड है? जी जी, मैं पिज्जा भी लेकर आती हूँ। हाँ। और नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। क्या आप हिकमत आपा के बेटे के लिए सोच रही हैं? अरे हिकमत आपा, सुने तो सही, मैंने आपके लिए बहुत ढूंढ ली है। म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूं। तो मेरी बात सुनो, ये आंटियां पागल हुई जा रही हैं, हमें कुछ करना होगा। कोई आइडिया दो मुझे, हमें कुछ करना होगा अभी। मनामी कहाँ है, उसकी जरूरत है अभी। तारी को लेकर कराटे करने चली गई है। क्या वाकई? चलो छोड़ो, कितनी आसमान उनके बीच में फंस गई है, अब क्या होगा। अरे बात सुनो, ये देखो ये देखो, ये लड़का कैसा लग रहा है। अल्लाह, ये भी तो हो गई है, बहुत अच्छा। चलो लड़की हमारे साथ आ जाओ और गाओ, मुस्कुराओ, सब बहुत निकालो यहाँ से, जल्दी से मदद करो मेरी। अगर आप लोग मुझे इसी तरह पकड़े रहे तो मैं क्या लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए? जाने दें यार, क्या मसला है लोगों का। ये कैसा शोर है? हाँ फतोष, क्या हो रहा है? हमारी वो अमीर आंटी आई है ना, दरअसल उन्होंने उधम मचा के रखा है, पूरे हॉल में नाचती फिर रही है। चलो दिखाती हूँ तुम्हें मैं। क्या कर रही हैं? आज हो मैडम, आप यहाँ पे ये सब नहीं कर सकती, ये अलाउड नहीं है, आप लोग प्लीज शोर मत कीजिए। अरे क्यों ना करें भाई, हम तो सब करेंगे। अरे क्यों नहीं कर सकते, हमने पैसे। सुनो लड़की, मजा किरकिरा मत करो, हम इतने दिनों बाद तो अपने शोहरों से अलग होते हैं, इतने दिनों बाद तो किटी पार्टी का मौका मिला है, तुम भी हमारे साथ आओ ना। मैं सच में आप लोगों का मजा आ रहा है, बस मैं ये कह रही हूँ, आवाज थोड़ी है, मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? ओह क्या हो रहा है? अरे फतोष, अगर साथी आ गए तो क्या होगा? अब पता नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, हम तो फंस गए। देखो तो जरा, अपने साथ नाजली को भी नचा रहे हैं। मैं अपनी आपा को अकेला नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आपा, मैं आ गई, रखो मेरी जान। आ फतोष, कुछ करो। आपा नाज़ली, साफी आने ही वाले हैं। क्या वो लोग इंटरव्यू लेने आ गए हैं? ठीक है, चलो 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 निकलो, चलो जल्दी, चलो अंदर चलो। और शोर करें, प्लीज और शोर मत करें, प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे, चलो। अरे इस गाने पे अभी चले पे, आज तो मजा आ गया। देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तुमसे मिलने, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ अक्सर आया करूंगी तुमसे मिलने। तुम इस तकलीफ को कैसे सहते हो? मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन करना पड़ता है। I'm so sorry. मुझे बस इनकी बहुत याद आती है, काश मैं उसे आखिरी बार देख सकती, हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। क्या हम चलें अब? चलो चलें घर। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। इधर आओ। हाँ
ठीक हूँ, मुझे बस अचानक से चक्कर आ गए थे। तुम्हें याद है मैं, तुम, जैनब, हम लोग घंटों काम किया करते थे। जैनब फ्री बैठना ही नहीं चाहती थी, सबको खाना खिलाती थी वो, इंसान, जानवर, परिंदे, जो भी हो, और हम उसका घंटों इंतजार करते। इतनी सबर करने वाली या मोहब्बत करने वाली थी वो। तुम्हें देर हो रही होगी, और भी काम होंगे। मुझे यहाँ कब्रिस्तान आकर इतना दुख हो रहा है कि मेरी सांस तक अटक रही थी। क्या हम कहीं चल सकते हैं, अगर मुमकिन हो तुम्हारे लिए? मुझे दरअसल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं माजरा चाहूंगी तुमसे, बस वो बहुत मुश्किल है ये सब। मैं जानता हूं, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है, हम थोड़ी देर चल सकते हैं। आ जाइए इस तरफ। ये आवाज, ये स्टाफ है। हम अपने स्टाफ को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, इसलिए उन्होंने म्यूजिक लगा के रखा हुआ है। जी हाँ, अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ का मेन्यू बताती हूँ। हमने फरीद असलान के साथ मिलकर यहाँ का मेन्यू बनाया है, उसका एक लंबा अमल है, और ये है मेरी प्यारी सी पार्टनर मिस मनामी। मैं तो सिर्फ खाने को चखती ही हूँ, दरअसल शेफ तो हमारी नाजली ही है। बहुत अच्छे। क्या आपका कोई पसंदीदा शेफ या बावर्ची खाना है, बताइए। जी बिल्कुल है, हर इंसान जिसे अपने काम से मोहब्बत होती है वो मेरा आइडल है। सबसे पहले मेरी अम्मी, मैं और मनामी चाहते हैं कि हम टर्किश खाने को मशरकी खाने के साथ मिला के पेश करें, हम उस पे ही काम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, मैं तो सिर्फ यहाँ खाना ही चखना जानती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा है। रुक जाइए, पहले हम आपको हमारा किचन एरिया दिखाएंगे। बिल्कुल, पहले आप लोगों को किचन देखना चाहिए। नाजली साहिबा, फरीद साहब यहाँ आएंगे ना? वैसे तो उनसे हमारी बात हो चुकी थी, लेकिन अगर कंफर्म हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस तरह ये मैं इंटरव्यू नहीं ले सकता। बिल्कुल, वो जरूर आएंगे, पर जब तक वो आएंगे हम वक्त जाया नहीं करते, हम आपको अपना किचन दिखा देते हैं। आइए आइए इस तरफ। ठीक है। जी इस तरफ आइए। मुझे नहीं पता मनामी, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। खैर, इनको फिलहाल किचन दिखाओ, मैं नहीं चाहती कि वो इस तरफ आए और आंटियों को देखें। आ जाओ। जी तो ये है हमारा प्यारा सा किचन। जी जी आइए आइए, इधर आइए इस तरफ। अरे अरे रुकिए, क्यों ना आप यहाँ की कुछ तस्वीरें ले लें। हाँ बिल्कुल सही कहा मनामी ने, ये बहुत अच्छा सजेशन है। हमारे किचन की लाइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे अच्छा इंटरव्यू लिया जा सकता है। चले मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल इसी तरफ यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग है, आइए मैं आपको दिखाऊं। अरे एक मिनट एक मिनट, मुझे आप लोगों को दरअसल कुछ बताना है। वो औरतें तो पागल होती जा रही हैं, अपने आप पर काबू नहीं रह रही। फतोश कुछ करो, संभालो इसे। ठीक है चलो। रुको रुको रुको, आपा आपा, उन लोग तो पागल हो गए हैं, मैं तुमको संभाल संभाल के थक गई हूँ यार। फतोश जाओ जाओ जाओ। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इस वक्त हमारे रेस्टोरेंट में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से शोर हो रहा है। हमारे प्यारे कस्टमर पर फतोश ख्याल रख लेगी। जी शेफ, हम बिल्कुल ख्याल कर लेंगे, आप लोगों से मिलते हैं। क्या हम लोगों की खाते हुए की तस्वीरें क्यों नहीं लेते? बिल्कुल असली रेस्टोरेंट का माहौल लगेगा। चलो आओ चलें। एक मिनट आप अभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि एक अहम बात तो मैं बताना भूल ही गई। क्योंकि जापानीज़ लोगों के खाने में एक दिलचस्प बात होती है और बहुत अच्छी फिलॉसफी होती है, ये आपको लिखना ही होगी मैगजीन में, इंटरव्यू में। 5 पॉइंट्स होते हैं। जरूरी बात, 5 बहुत जरूरी बातें होती हैं जापानीज लोगों के लिए, मैं आपको बताती हूँ। इधर इधर आइए, आइए इस तरफ, यहाँ बैठते हैं। आप थोड़ा सा हट जाइए, मैं आपको वो जापानीज रूल्स बताती हूँ जो मैंने पढ़े हैं। 5 रूल्स वो हैं, मतलब खाना हमारे बिल्कुल 5 सेंसेस की तरह होता है। प्लेट में 5 कलर्स होने चाहिए, हर चीज में सब कुछ 5 होना चाहिए। वो 5 कलर, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो,
और ब्लैक और ये बहुत सारे अच्छे रंग हैं, वो होने चाहिए उसमें। सबसे पहले खुशबू सूंघे। ठीक है, सूंघ लिया। उसके बाद टेस्टिंग। और फिर इसे देखें, कैरेट को आंखों के लिए अच्छी होती है। और सबसे जरूरी पॉइंट, सुनना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इसकी भी पिक्चर लीजिए। ये मैं प्लेट ऐसी ही रख देती हूँ, आप जितनी चाहे पिक्चर्स ले लें इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं ऊपर जाके देखती हूँ क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें भी अब चलना चाहिए। क्या कहते हो? पहले इसकी तस्वीरें ले लें। इस्तांबुल का ट्रैफिक अभी भी नहीं बदला फरीद। मुझे लगा था कि अमेरिका जाके मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मगर नहीं हुई। तुम्हें देर हो गई ना। अच्छा तुम एक काम करो, बस तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, मैं चली जाऊंगी वहाँ से, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ी दूर वॉक करके चली जाऊंगी। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, मुझे होटल लेकर जाने में और वक्त जाया मत करो। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ जरूर मिलते हैं। खाना बहुत मजे का है ना? हाँ बहुत मजे का है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत लजीज है। यहाँ बहुत अच्छी रोशनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छी तस्वीरें ले ली हैं। नाजली साहिबा, यकीन करें मैं कई दिनों से इतने मजेदार और जबरदस्त इंटरव्यू नहीं ले सका था। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रेस्टोरेंट आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे रेस्टोरेंट को ये मौका देने के लिए। हम अक्सर कारोबारी लोगों का इंटरव्यू करते हैं अपने मैगजीन के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना मजा आने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। अंदर आइए। चलो तो फिर अंदर चलते हैं। शायद फरीद साहब नहीं आएंगे, उन्हें ऑफिस में जरूरी काम होगा। हाँ हाँ वो वरना ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा हूँ ये इंटरव्यू क्यों ना फरीद साहब के बगैर ही छाप दिया जाए, लेकिन ये इंटरव्यू इतना मजेदार था कि अगर इसे ना छापा गया तो तौहीन होगी। आपको ये अगले महीने के रिसाले में देखने को मिल जाएगा। जरूर, हम आपका इंतजार करेंगे। आपका आने का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। See you again. बहुत शुक्रिया, मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आंटिया, अरे तुम्हें अंदाजा तो है कितना ट्रैफिक है आजकल। बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। सुकून से बैठिए, एंजॉय कीजिए। चाहो तो ये बिलन मेरे सर पे मार सकती हो। शायद तुम इसे ही मेरा सर समझ रही हो। हाँ क्यों नहीं। नाजली मुझे माफ कर दो प्लीज, कुछ जरूरी काम आ गया था। असल में पैलेन कंपनी में एक ऑफर लेकर आई थी। मैंने तुमसे कहा था कि यह हमारे लिए कितना जरूरी है, और देर से आने के लिए ये बहाना है तुम्हारे पास। उसके बाद हम जैनब की कब्र पर चले गए थे,
मैं उसे वहां लेकर गया था। वो असल में दरअसल मुझे ट्रैफिक का याद ही नहीं रहा था, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता था। मैं अपने मामले आपके बिना भी संभाल सकती हूँ और मैंने संभाल लिया। मसला ये है कि ये जगह हमारी है और आपको यहाँ होना चाहिए था। तुम सही हो और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर जरा सा भी शक नहीं है। नाज़ली, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। फरीद, इतना मत सोचो, मैं परेशान नहीं हूँ। तुमने मुझसे एक वादा किया था जो तुमने तोड़ दिया। खैर, कोई बात नहीं, मैंने संभाल लिया। नाज़ली, फरीद, मुझे बहुत काम है, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है। हम दोनों का ही काम इम्पोर्टेंट है, मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, उसके बावजूद मैं यहाँ आया। तो यहाँ आके वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, बस इस बात का ख्याल रखना, बोले 2 दिन के लिए अम्मी क्या रहेगा। चलता हूँ मैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। खुदा हाफिज। एंगिन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मीटिंग के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो घर चले जाना, मैं मीटिंग को देख लूंगा। इसमें मसले की कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ, ख्याल रखना। क्या तुम लोग हिसाब देख रहे हो? मेरे सेशन से जो पैसे आएंगे उसे भी जोड़ लेना इसमें, और इन आंटियों के पैसे भी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मैगजीन के छपने के बाद हमारे पास और भी ज्यादा लोग आएंगे, हमारा कारोबार बढ़ेगा। हाँ यार, बस इंशाल्लाह। हाँ मुस्तफा, बात सुनो, जिस पर एड्रेस लिखा है, क्या तुम उसे इस एड्रेस पर भेज सकते हो? ठीक है, मैं भेज दूंगा। आसुमान, तुम क्या कर रही हो? अरे एक नया गेम आया है, बस वही खेल रही हूँ मैं। आपा भी बीच में कोई भी काम कहने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं गेम का आखिरी लेवल खेल रही हूँ, नहीं छोड़ सकती बीच में। खेलो बेटा, खेलो तुम। यहाँ हम तुम्हारे स्कूल की किस्तें देने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के गेम्स खेल रही हो। आसुमान, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मसला तो कब का खत्म हो चुका है। आपा, क्या मतलब है खत्म हो गया? किस्तें माफ कर दी क्या? अरे नहीं यार, डेनिस ने चुका दिया कर्जा। मैंने उससे कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजाल है किसी की बात सुन ले, वो भर दिए उसने। फतोशी, क्या बक रही है तुम? होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो? आसुमान, 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 कहाँ जा रही हो? नाज़ली तुम रुक जाओ, नाज़ली तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? आसुमान, मैं यहाँ दिन रात काम करती हूँ, फरीद पे इतना कर्जा है और तुमने डेनिस से कर्जा ले लिया? आपा, डेनिस से कर्जा मैंने लिया है? आपने नहीं, मैंने। और वैसे भी वो कौन सा गरीब आदमी है, उसने मेरी मदद करने की कोशिश की है बस। अगर उसने मेरी मदद कर भी दी तो ऐसा क्या हो गया? वो दोस्त है मेरा। हम स्कूल जाके बात कर सकते थे आसुमान, स्कूल जा सकते थे, कोई रास्ता निकाल लेते इसका। तुमने ये क्यों किया? तुमने डेनिस से मदद क्यों लिया आसुमान? हर वक्त तुम मुझे तंग करती रहती हो, किसी न किसी मसले में फंसा देती हो मुझे। एक मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं जाओगी अब। तुमने डेनिस से जो पैसे लिए हैं तुम उसको वापस कर दोगी। तुम कहती हो ना मैं चिल्लाती हूँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम पे चिल्लाती हूँ। मैं क्यों चिल्लाती हूँ? लेकिन क्या मुझे अच्छा लगता है कि तुमसे मैं रोज यहाँ पे लड़ती रहूँ? क्या मैं नहीं चाहती हम नॉर्मल बहनों की तरह रहे? मैं नहीं चाहती क्या? पर हम नहीं रह सकते, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत, हर दिन कोई ना कोई परेशानी लेके आ जाती हो। तंग कर दिया है तुमने मुझे, कब तक हेल्प करूं मैं तुम्हारी? कितनी शर्म की बात है, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं घर जा रही हूँ फतोश। बस फतोश, बहुत हो गया यार, मैं तंग आ गई हूँ। हम क्यों नॉर्मल बहनों की तरह नहीं रह सकते? हमेशा कोई मुसीबत, हमेशा कोई परेशानी। मैं परेशान हो गई हूँ फतोश, मैं क्या करूँ? हाँ हेलो मुजफ्फर साहब, मैं आसुमान बात कर रही हूँ। आपने कल कार्ड दिया था मुझे, क्या अभी भी आपको किसी वेट्रेस की जरूरत है? ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, लेकिन मुझे कैश चाहिए क्योंकि अकाउंट्स के मामलात मुझे समझ नहीं आते।
नाजली, मैं सिर्फ मदद कर रहा था। डेनिस, तुम हमेशा उसकी मदद करते हो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं जानता हूँ। देखो नाजली, मेरा शुमार उन लोगों में से नहीं है जो अपने हाथ पर हाथ रख के आराम से बैठे रहते हैं। उसने जो किया उसे खुद संभालने दो, उसे खुद सीखने दो उसकी गलतियों से, उसे समझदार होने की जरूरत है। नाजली, जब मैं दो समझदार लोगों की नकली शादी के मुतालिक कुछ नहीं कह रहा बल्कि उसकी इज्जत कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी और आसमान की दोस्ती के मुतालिक भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डेनिस, तुम अपने दिल में कोई गलतफहमी मत पाल लेना। ठीक है नाजली, नहीं पाल रहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।